हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त ऋतु। और गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम स्कूल की तैयारी हो चुकी है हमारी, हम रेडी हो चुके हैं पूरा। और ना नीचे ना एक डॉगी ने ना अपने मतलब बेबीज वो करे हैं, डिलीवर किए हैं, तो उनको उनके पास ना उनको मतलब इतना ठंडा हो रहा है, हम लोगों ने इतने कपड़े पहने हैं फिर भी ठंडा लग रहा है। वो लोग पता नहीं कैसे रहते हैं, तो मेरे पास देखती हूँ उनका थोड़ा सा कम्बल दे के आते हैं उन्हें। चलिए देखते हैं। कार्तिक मेरा वेट कर रहा है। कार्तिक ये पकड़ो बैग। एक्टिवा साफ करी आपने? हाँ साफ ही है। तो गाइज ये ना ब्लैंकेट है, ये मेरे को वैसे डर भी लगता है कि उनकी मम्मी ना आ जाए बच्चों की। वैसे तो कुछ नहीं बोलेगी, सीधी है। ये देखिए गाइज, दिखाती हूँ मैं आपको, ये कितना ठंडा है। और इन्हें तो मैं ना इनको इनका इनके लिए कम्बल रख देती हूँ, है ना। क्या कर रहे हो तुम? खाना खाया? तुम्हारी मम्मी आई थी? चलो उठे, मुझे करने दो, करने नहीं दे रहे। चल पीछे 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 पीछे। कम्बल तो मैंने रख दिया है उनके लिए। दे खाना दे। अब इनको ना रोटी देते हैं। अब ये खाएंगे कि नहीं खाएंगे? इनकी मम्मी कहाँ गई? उनको उसको दे देते रोटी। ये देखिए इन पप्पीज का घर बन चुका है। अब इन्हें इतनी ठंड नहीं लगेगी क्योंकि बहुत कोहरा होता है सुबह के टाइम, अब इन्हें ठंड नहीं लगेगी ज्यादा। ठीक है, अब निकलते हैं हम स्कूल के लिए। आपसे मिलेंगे स्कूल से आने के बाद। तो गाइस अभी बज चुके हैं दिन के 3 बजने वाले हैं और हम घर आ गए हैं स्कूल से। अब खाना बनाऊंगी और खाना बना के हमें जाना है अपने घर। घर जाना है, थोड़ा सा पहले बाजार जाएंगे, सामान लेना है घर के लिए। इन्वर्टर तो बाद में लेंगे, लेकिन अभी लेना है स्टेबलाइजर और चिमनी लेनी है किचन के लिए, वो लेने जाएंगे। आजकल तो बहुत टायरिंग हो रहा है शेड्यूल, पर सारे काम जरूरी है गाइस। तो ठीक है, मैं हाथ मुंह धो के खाना रेडी करती हूँ। बने रहिए वीडियो के साथ, हाथ मुंह धो लेती हूँ पहले। हमने यहाँ से स्टेबलाइजर ले लिया है, अब उसको ले जाने की दिक्कत है, ऑटो करना पड़ेगा। ये पहले देखते हैं एक्टिवा में जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको ऑटो करना पड़ेगा। चला लो गाड़ी? हाँ करो, तो आप रखो, देखते हैं फिर। ये तू तो नहीं चला पाएगी ना ऐसे में।
मेरे को। तो गाइस अब हम अपने घर में पहुंच चुके हैं, ये देखिए आप। शाम के 5:30 और अभी हम घर निकले नहीं है क्योंकि काम हो रहा है। देखिए काम चल रहा है। तो गाइस अब हम घर के लिए निकल चुके हैं और बहुत ठंडा हो रहा है, मौसम बहुत ठंडा हो गया है और लेट हो गए हम, 6 बज गए। और कार्तिक घर में अकेला है पर हमें आना ज़रूरी था क्योंकि स्टेबलाइजर लाना था जो घर में काम हो रहा है, वो उसके बिना मतलब ना पावर नहीं आ रही थी, बहुत कम पावर थी तो उसके लिए हमें आना पड़ा। तो बने रहिए वीडियो। तो गाइज ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है, मतलब रात के समय ना चारों तरफ लाइट ही लाइट दिख रही है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो गाइज अब हम घर पहुंच चुके हैं, तो ये लगा लीजिए सुबह 7 बजे हम घर से निकले थे स्कूल के लिए, थोड़ी देर के लिए घर आए और अब हम 7 बजे, ये देखिए 7 बजे घर पहुंच रहे हैं, 7 बजे सुबह के 7 बजे से निकल के अब 7 बजे तक। कर रहा था घर में तब से पढ़ रहा था या अब पढ़ रहा है मेरे को दिखाने के लिए? ना मम्मा ने जब पूछा होगा कहाँ है। ये देखिए गाइस सुबह 7 बजे हम स्कूल के लिए निकले थे और दिन में थोड़ी सी देर के लिए आए और अब 7 बजे हम। और नवीन ने पूरी जाते हुए भी नवीन ने एक्टिवा चलाई और आते हुए भी। तो गाइस नवीन ने ना चाय बना के दे दी है और बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है, एक्टिवा में तो ठंड लगती है, मतलब इतना शाम हो गई थी और बहुत ज़्यादा थक गए, मतलब घर के काम तो निपटते ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता, बस अब चाय बर पी के बाकी काम करना है, खाना वाना बनाना है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस अब चाय पी के खाने की तैयारी करूँगी, आराम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। पर यह है कि नवी भी मेरे साथ गई थी और एक्टिवा उसने जाते टाइम भी, उसी ने ड्राइव करी आते टाइम भी, तो वो ज़्यादा थक गई है, फिर भी उसने चाय बना दी और चाय का बहुत बड़ा सपोर्ट है, मतलब चाय पीने से ना मतलब कार्तिक हंस रहा है, चाय पी के ही मैं काम कर पाऊँगी। तो गाइस बनी रहिए वीडियो के साथ, मिलती हूँ आपसे जल्दी। तो गाइस मैंने ना सब्जी बना दी है, गोभी की सब्जी बना दी मैंने, आलू गोभी, और अब मैं आटा गूंद रही हूँ और जल्दी जल्दी से ना काम निपटा के आराम करेंगे, बहुत ज्यादा हो गई है, थकान लग गई है बहुत ज्यादा। तो गाइस अब हम लोगों ने डिनर कर लिया है और कार्तिक के ना यूनिट टेस्ट चल रहे हैं तो वो पढ़ाई कर रहा है। कल कौन सा टेस्ट है कार्तिक? ज्योग्राफी और संस्कृत। तो ज्योग्राफी पढ़ रहा है, संस्कृत तूने रेडी कर लिया शायद? शक्ल से तो नहीं लग रहा। पासिंग तो कर ही लिया। पासिंग नहीं, अच्छे नंबर चाहिए, मतलब 18 आएंगे। मैं मतलब खुद ही बोल रहा है 20 में से 18 आएंगे, 20 में से 20 क्यों नहीं? संस्कृत में स्पेलिंग का हो जाता है। हाँ तो जो जिस चीज में वीक हो उसकी प्रैक्टिस करो, चल पहले ज्योग्राफी करते हैं। और
गाइस तो मैं तो भाई ज्योग्राफी करने के बाद फ्री फायर खेलूंगा 1 घंटा ना, बड़ा खेलने दूंगी तुझे। तो गाइस रात के ना 10 बज चुके हैं और मेरे को तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है। अगर मतलब अभी मैं सो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे रात भर नींद नहीं आती। ये मेरे साथ है, ये दोनों तो सो जाते हैं। और भाई मैं उठा रहा था, उनको पता नहीं चलता। क्या नहीं पता चलता कि मैं उठा हूं? मैं उठा हुआ रहता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि मैं उठा हुआ हूँ। तो गाइज आज के व्लॉग में बस इतना ही, अब अपना व्लॉग बंद करती हूँ। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मिलूंगी आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।